हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और आप सभी का स्वागत है। ये आपको एक पॉलिटी के लेक्चर में एक आपको अपडेट दिखेगी यहाँ पे। तो जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बोला था कि एक कोई भी एक ऐसा बहुत ही कम कोई चांस होगा कि मेरी तरफ से आपके पास में कोई मिस इन्फॉर्मेशन जाए, और ये उसी मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हो या आपने भी बहुत जगह पर यही पढ़ा होगा, जो लेटेस्ट सब पढ़ा रहे हैं वो यही पढ़ा रहे हैं। बट ये कैसे क्या अपडेट है और विद प्रूफ मैं आपको यहाँ पे ये दिखाने वाली हूँ। और ये लेक्चर मैं अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ 26 अक्टूबर 2020 को। तो ये अपडेट 26 अक्टूबर 2020 तक जो मेरे पास में अभी इस टाइम पे जानकारी है उसी के हिसाब से ये आपके पास में मेरे तरफ से अपडेट रहने वाली है। तो चलिएगा पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्या है ये अपडेट। तो मैंने आपको बताया था सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची हमारे संविधान में क्या है वो बात करती है कि हमारे यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच में जो कानून बनाने की शक्तियाँ हैं कि वो किन किन विषयों पे अपने कानून बना सकते हैं, उनका विभाजन हमारे सातवीं अनुसूची के आर्टिकल 246 में किया गया है, जिसमें कि तीन लिस्ट आती और उनमें से तीन सूचियों में से एक है यूनियन लिस्ट, नेक्स्ट है आपकी स्टेट लिस्ट और नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट को आप बोलोगे हिंदी में संघ सूची या केंद्र की सूची, और स्टेट आपके राज्य से संबंधित हो गया, और कंकरेंट आपका समवर्ती सूची। यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में क्या है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, पर अगर केंद्र ने भी कानून बना दिया उस सब विषय पे और राज्य ने भी कानून बना दिया तो जो कानून केंद्र बनाएगा उसको वरीयता मिलेगी, मतलब कि केंद्र के कानून को प्रिफ्रेंस मिलेगी राज्य के कानून के ऊपर। आ गया होगा यहाँ तक समझ। और देखिए जिसको भी मैंने आपको पढ़ाया तो आपको यहाँ तक तो ये पूरा इतना इधर वाला आपको जो भी दिख रहा है इस समय बॉक्स में ये तो आपको सब आता होगा और आना भी चाहिए। इसी से आगे की ये अपडेट है तो आप अपडेट देखते हैं। और चलो हल्का सा मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ कि जो ओरिजिनल मूल रूप से संविधान में यूनियन में थे 97 विषय और राज्य में थे आपके 66 विषय और कंकरेंट लिस्ट में थे आपके 47 विषय। तो फिर हो गए ये बढ़ के 100, 61 और 52। यहाँ तक आपने पढ़े थे, मैंने भी अपने लेक्चर में बार बार ये पढ़ाए थे। क्यों पढ़ाए थे? क्योंकि जो मेरा बेसिस था पढ़ाने का आपको वो था 5वां एडिशन लक्ष्मीकांत का, और बाकी नेट पे भी यूट्यूब पे भी जहाँ पे भी आप देखोगे यही आपको दिखेंगे, इसलिए मैंने भी आपको यही बताए थे। और अब देखिए अब ये चेंज कैसे हुआ है या नहीं हुआ है, और जितनी मेरे को नॉलेज है जितनी भी स्टैंडर्ड बुक से देखा है तो अब ये क्या इसका क्या सोर्स है, इसका सोर्स है 6वां एडिशन है जो लक्ष्मीकांत का वो 2020 में आया है वो सोर्स है। और कुछ मैं आपको विकिपीडिया पे भी कुछ दिखाने वाली हूँ तो वो सारा प्रूफ आपके सामने रहेगा। फिर आपको डिसीजन लेना है कि आप कौन सा मानोगे, ये 100 वाला मानोगे या 98 वाला मानोगे, 61 मानोगे या 59 मानोगे। तो ये आपके देखिए डिसीजन आपको लेना है। नौकरी की तैयारी आप कर रहे हो तो इतना दिमाग भी आपके पास में होना चाहिए कि आप अपना माइंड लगा सको कि कहाँ पे आपको पहुँचना है। तो चलिए वही प्रूफ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे GST गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है जो एक्ट आया था GST एक्ट आपका, तो वो आया है आपका 101 संविधान संशोधन आया तो 2016 में था बट वो प्रभाव में इफेक्ट में आया आपका 1 जुलाई 2017 को। तो इसने क्या किया, इसने कुछ संविधान में परिवर्तन किए, कुछ आर्टिकल जोड़े कुछ हटाए। तो ये आपका GST एक्ट, ये आपका इसने यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में क्या परिवर्तन किए, कैसे वो 100 से यहाँ पे मैं आपको 98 आर्टिकल जो लिखाए हुए दिखाए हैं और यहाँ पे 61 से आपको 59 ये दिख रहे हैं, बाकी ये वाले कंकरेंट जो समवर्ती सूची है इसके आपको 52 ही दिख रहे हैं। और कृपया करके पूरा लेक्चर देखिएगा तभी आपको समझ आएगा कि मैं किस बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो ये GST एक्ट ने यूनियन लिस्ट में क्या किया, ये बात कर रहा है कि इसने एंट्री 92 और 92C को संविधान से हटा दिया। अभी 92 एंट्री किस बारे में बात करती है, 92 एंट्री जो हमारी केंद्र की सूची में है ये बात करती है कि जो टैक्स लगेगा जो सेल और परचेज पे, बेचने पे और खरीदने पे, न्यूज़पेपर पे और जो उनमें एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं उन पर जो टैक्स लगेगा उसके बारे में बात करती है। और 92C हमारा बात करता है टैक्स ऑन सर्विसेज, जो कि आपकी सेवाओं पे जो कर लगता है उसके बारे में। तो ये हमारे GST आने से ये हट चुके हैं। ऐसा कौन बात कर रहा है, कहाँ पे ये बात लिखी हुई है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा और जो मैं कह रही हूँ उसे समझते चलिएगा। और नेक्स्ट आपका स्टेट लिस्ट में एंट्री 52 और 55 हमारी हट चुकी है GST एक्ट के अकॉर्डिंग। ये 52 एंट्री क्या है कि जो आपके लोकल एरिया में गुड्स जो सामान आते हैं उनकी एंट्री पे जो टैक्स लगेगा
ये उसको हटाने के बारे में बात कर रहा है। और 55 हमारी जो एंट्री है स्टेट लिस्ट में, एंट्री आप सोच सकते हो नंबर है, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट लिस्ट में इतने आइटम है तो उनमें एक नंबर है, और एक नंबर 55 नंबर पे ये लिखा हुआ है कि जो एडवर्टाइजमेंट पे जो टैक्स लगेगा, और वो अदर देन वो 55 में बात करता था कि न्यूज़पेपर के अलावा जो भी एडवर्टाइजमेंट पे टैक्स लगेगा वो यहाँ 55 में बात करी गई थी, क्योंकि न्यूज़पेपर के टैक्स की बात तो 92 में करी गई थी, मैंने आपको भी बताया। तो ये चार जो लिस्ट हैं, ये चार जो आइटम हैं एंट्री हैं, ये आपकी हट चुकी हैं, तो दो अब यहाँ से हटे तो इस हिसाब से 98 होने चाहिए, और यहाँ 61 से हटने से 59 होने चाहिए। अब यहाँ तक हमने समझ लिया, अब ये देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या रहने वाला है और ये मैंने आपको कहाँ से बताया है। तो सबसे पहले तो जो छठे एडिशन लक्ष्मीकांत है, देखिए उसमें यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, जो कि आपके कानून बनाने के जो सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उनको कैसे बांटा गया है। तो ये यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान में 98 सब्जेक्ट्स हैं केंद्र के पास कानून यूनियन लिस्ट में, ये भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, संघ सूची में 98 सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं। और ये दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 59 विषय हैं आपके, ये किस में है, ये स्टेट लिस्ट में है। और इसके बाद में कंकरेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची है उसमें 52 ही लिखे हुए हैं। अब देखिए आपको भी ये पढ़ने के बाद में बहुत सारा डाउट आने वाला है कि आप एग्जाम में कौन सा टिक करो कौन सा नहीं, तो जो मेरे को जितनी भी नॉलेज है मैंने यहाँ पे लिख दी है, जितना मेरे को पढ़ के पता चला, करंट अफेयर से अपडेट करके पता चला, बाकी तो एग्जामिनर की मर्जी है वो कहाँ से आपका कौन सा बुक है, क्या किसको स्टैंडर्ड सोर्स मान के आपका एग्जाम सेट करता है। क्योंकि मैंने अभी गवर्नमेंट की साइट पे भी देखा था तो वहाँ पे अभी एज सच मेरे को कहीं पे दिखा नहीं अपडेट, या कहीं पे होगा तो वो साइट मेरे को मिली नहीं, ये भी हो सकता है। बाकी मैंने फिर विकीपीडिया पे सर्च किया नंबर ऑफ आइटम्स इन यूनियन लिस्ट। अब देखिए विकीपीडिया पे ये नहीं कि हर बार 100% ही जानकारी आपको एकदम करेक्ट मिले, बहुत टाइम वो भी गलत इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं विकीपीडिया पे भी जो लोग अपडेट करते हैं तो। पर ये देखिए विकीपीडिया में क्या लिखा हुआ है कि यूनियन लिस्ट में 98 आइटम्स हैं इस टाइम पे, और जो 101 संविधान संशोधन आया था तो इसने 92 और 92C जो एंट्री है उसे हटा दिया था, ये हम बिल्कुल अभी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में 50 ये बात करता है, ये मैंने सर्च किया था नंबर ऑफ आइटम्स इन स्टेट लिस्ट, कि जो आपकी जो राज्य की सूची है उसमें कितने विषय हैं, तो ये बात करता है कि यहाँ पे हैं हमारे 59 विषय हैं। और ये इसको क्यों 59 है, नंबर एंट्री नंबर 52 और 55 हटा दिया है। तो ये जो दो प्रूफ थे आपके सामने मैंने वो रख दिए हैं, छठा एडिशन लक्ष्मीकांत का, ये इंग्लिश मीडियम वाला है, अभी हिंदी मीडियम वाला मैंने देखा नहीं कि उसमें क्या अपडेट है क्या नहीं। और ये है विकीपीडिया का आपके सामने, और बहुत सारी जगह पे मेरे को 100 और वो ही दिख रहा है जो पुराना वाला है। तो आपको अब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए देखना है कि आपको कौन सा एग्जाम में टिक करना है या क्या करना है, जितना बुक के हिसाब से अपडेट था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। और बाकी फिर भी और भी कोई अपडेट होता है तो आपको जो पिन कमेंट होता है कमेंट सेक्शन में वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आपको कहीं ना कहीं और आपने कहीं किसी टीचर से पढ़ाया जो भी पढ़ाया तो आप भी वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या कोई लेटेस्ट अपडेटेड, ये याद रखना लेट बुक 2020 के बाद में आपने पढ़ा है तो भी आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वहां से भी देख के आपको आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। बाकी और भी कोई अपडेट होगी तो भी वो आपको मिल जाएगी। और धन्यवाद वीडियो यहां तक देखने के लिए।